किसी रोज बारिश जो आए समझ ले ना बूंदों में सुबह डूबती। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आपने आजकल लिरिकल वीडियो देख लिया होगा, कितना अच्छा हो चुका है। आपको इस तरह वीडियो बनाने के लिए सिंपली अलर्ट मोशन ऐप लगेंगे। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर तेजस क्रिएशन YT सर्च कर सकते हो। और गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज, आज का जो ऑल मटेरियल है उसको एक पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड वीडियो में कहाँ पे तो भी रखा है, तो प्लीज़ आपको वीडियो पूरी तरह देखना है। तो गाइज, चलो फिर आज के वीडियो की ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको सबसे पहले अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है, फिर आपको प्रोजेक्ट में जाना है। ये जो दो प्रोजेक्ट है ये सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेने हैं। तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखे हैं। तो इसमें का जो सेकंड नंबर का बीट बुकमार्क प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पे जो सॉन्ग है मैंने ऑलरेडी ये सॉन्ग को बुकमार्क करके रखा है, आप इसके अलावा दूसरा कौन सा सॉन्ग ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद आपको सिंपली प्लस पे टैप करना है और आपको फॉन्ट में जाना है। यहाँ पे आपको जिस सॉन्ग के लिरिक है वो टेक्स्ट आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो मैंने जो लिरिक के टेक्स्ट है वो ऑलरेडी नोटपैड पे कॉपी करके रखे हैं। तो आपको यहाँ आने के बाद सिंपल जो नोटपैड पे कॉपी किए थे यहाँ से आपको यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको लेयर पे टैप करके बराबर इस पर टैप करना है, आपको फॉन्ट में जाना है, व्यू ऑल फॉन्ट में जाना है। इस पर जाने के बाद फॉन्ट को सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने फॉन्ट को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। तो इसके बाद आपको जो सिग्नेचर मूवमेंट फॉन्ट है ये आपको सिंपली यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इतना होने के बाद आपको सिंपली साइज़ में जाना है, और इसकी साइज़ आप आपके हिसाब से रख सकते हो। तो मैं 20 रख देता हूँ, और ये लेयर पर टैप करके इस तरह इसको ऐसा कर देना है। इतना होने के बाद आपको कलर पे टैप करना है और यहाँ पे व्हाइट कलर ऐड कर देना है, और आपको ओके कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, और ये जो लेयर है इसको आपको बराबर बीच में कर देना है इस तरह। फिर आपको सिंपली इसी पर टैप करके बॉर्डर एंड शैडो में जाना है, और इसका जो स्ट्रोक है इसको आपको इनेबल कर देना है, और इसको व्हाइट ऐड कर देना है। तो गाइज, आप देख सकते हो जो स्ट्रोक है आपको 4.5 रख देनी है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली इस पर टैप करना है, और सबसे लास्ट में जाने के बाद इस तरह इसको फुल कर देना है। तो गाइज, इतना होने के बाद सिंपली आपको शुरू आने के बाद ये जो यहाँ पे एरो है इस पर आपको टैप करना है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। फिर आपको इस पर टैप करके इस तरह इसको स्प्लिट कर देना है। तो इतना होने के बाद जो फर्स्ट लेयर है इस तरह लग चुका है। तो इसके बाद आपको सिंपली और इस पर टैप करना है, और इस पर टैप करके इसको स्प्लिट कर देना है। तो गाइज, इतना होने के बाद आपको सिंपल जो सेकंड टेक्स्ट लेयर है इस पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, और ये जो टेक्स्ट है आपको इस तरह कट कर देना है। और नोटपैड पे जाने के बाद जो सेकंड टेक्स्ट है इस तरह आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको यहाँ पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो गाइज, इतना होने के बाद आप देख सकते हो जो सेकंड टेक्स्ट लेयर है वो भी अच्छी तरह से लग चुका है। तो इसके बाद फिर से आपको एरो पे टैप करना है, और इस तरह फिर आगे लेके जाना है। इस पर टैप करके इस तरह इसको स्प्लिट कर देना है। जो थर्ड टेक्स्ट लेयर है इस पर आपको टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ से जो टेक्स्ट है इस तरह कट करना है, और जो थर्ड टेक्स्ट है आपको इस तरह यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको पेस्ट कर देना है, और आपको ओके कर देना है। फिर आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाने के बाद स्केल में जाना है, और इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्ट होने के बाद तो आप देख सकते हो जो थर्ड टेक्स्ट है वो भी अच्छी तरह से लग चुका है। तो गाइज, आपको भी इसी तरह सब टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज, तो आप देख सकते हो जो ऑल टेक्स्ट है इस तरह अच्छी तरह से ऐड हो चुके हैं, तो आपको भी इस तरह ऐड करना है। तो इतना होने के बाद सिंपली आपको बैक जाना है, और जो टेक्स्ट प्रीसेट है इसमें जाना है। जो यहाँ पे फर्स्ट तेजस क्रिएशन लेयर आपको दिख रही है इस पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है। इस तरह आपको इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, और बैक जाना है, और सिंपली यहाँ आने के बाद जो फर्स्ट टेक्स्ट है इस तरह इसको टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करके इस तरह इसको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट टेक्स्ट है इस पर इफेक्ट लग चुका है। इसी तरह आपको सेकंड पर जाना है, सेकंड लेयर पर टैप करके इफेक्ट में जाना है, और इस तरह यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइज, आप देख सकते हो जो सेकंड टेक्स्ट है और फर्स्ट टेक्स्ट इस पर इफेक्ट लग चुका है। सो गाइज, आपको इसी तरह से जो ऑल टेक्स्ट है इस पर इफेक्ट ऐड करना है, तो मैं जो इफेक्ट है ये पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइज, तो आप देख सकते हो जो ऑल टेक्स्ट है इस पर जो इफेक्ट फाइनली ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपको गाइज सिंपली सेटिंग पे टैप करना है, और इसका फ्रेम रेट 30 FPS रहेगा तो आपको इस तरह 60 कर देना है, और सिंपली एक्सपोर्ट पर टैप करके वीडियो आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइज, मैंने जो ये वीडियो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है। तो गाइज, इतना होने के बाद सिंपली आपको बैक जाना है। तो गाइज, इतना होने के बाद सिंपली आपको जो नोट वीडियो ऐप है आपको इसको
ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे मिनी मोड रहेगा तो आपको प्रो मोड कर देना है, और इतना होने के बाद आपको सिंपली न्यू पर टैप करना है, और यहाँ आने के बाद आपको जो रेशो है इस पर टैप करना है और कस्टम में जाना है। ये जो रेशो है आपको यहाँ पे 1080 कर देना है और ओके कर देना है, और 720 रहेगा तो आपको 1350 करके ओके कर देना है। फ्रेम रेट है आपको यहाँ पे 3 रहेगा तो आपको 6 लगा के 60 FPS कर देना है। तो गाइस इतना होने के बाद जो प्लस है इस पर आपको टैप करना है और मीडिया में जाना है। फिर आपको वीडियो जो वहाँ से इंपोर्ट किया था वो वीडियो आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो इस तरह ऐड होने के बाद आपको सिंपली प्लस पे टैप करना है, आपको असेट स्टोर पे जाना है, और यहाँ पे जो ग्लो स्कैन इफेक्ट है इसको आपको ऐड कर देना है। तो इतना होने के बाद जो इसकी एवोल्यूशन है आपको 20 कर देनी है। तो इतना होने के बाद जो इसकी रेडियस है आपको 2.08 कर देनी है, तो मैं कर लेता हूँ। और गाइस इसकी जो स्कैटरिंग है आपको 3.08 कर देनी है। तो गाइस इसकी जो स्कैटरिंग है आपको इस तरह 3.85 कर देनी है, तो मैं कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली ग्लो कलर में जाना है, और जो यहाँ पे यस दिख रहा है आपको इस तरह इसको फुल कर देना है। तो इतना होने के बाद इससे आप कलर कौन सा भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे टैप करना है, और यहाँ पे जो क्वालिटी है हाई रहेंगे तो आपको वेरी हाई कर देनी है, और यहाँ पे जो वीडियो है आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैंने गाइस ये जो वीडियो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है। सो गाइस इतना होने के बाद आपको फिर से ऑलराइट मोशन ऐप को ओपन करना है, फिर आपको प्लस पे टैप करना है, यहाँ पे आपको 4:5 का रेशो ऐड कर देना है, और क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको टैप करना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, और यहाँ से आपको जिस इमेज पर वीडियो बनाना है वो इमेज आपको इस तरह यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो यहाँ ऐड करने के बाद आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से फिल स्क्रीन कर देना है, और मूव एंड ट्रांसफर पर जाने के बाद स्केल पर टैप करना है, और इस तरह इसको साइज़ बढ़ा देना है। तो इतना होने के बाद आपको फिर से प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। व्यू ऑल में जाने के बाद आपने जो वीडियो नोड ऐप से इंपोर्ट किया था वो वीडियो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरह ऐड करने के बाद आपको सिंपली सबसे लास्ट में आना है, आपको जो इमेज है इस लेयर पे टैप करके इस तरह इसको फुल कर देना है। तो इतना होने के बाद जो वीडियो की लेयर है इस पर आपको टैप करना है, ब्लेडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है, लाइटन में जाके इस तरह इसको स्क्रीन कर देना है। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपली आपको बैक जाना है, और जो टेक्स्ट प्रीसेट है इसको ओपन करना है, और जो आपको सेकंड नंबर का TC लोगो दिख रहा है इस पर टैप करना है। इफेक्ट में जाने के बाद इस पर टैप करके इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है, और बैक जाना है, और यहाँ जाने के बाद जो इमेज ऐड की थी इस पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, और इस तरह इफेक्ट को आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली और बैक जाना है, और टेक्स्ट प्रीसेट में जाने के बाद जो थर्ड TC लोगो आपको दिख रहा है इस पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, और इस तरह इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है, और इस तरह जो वीडियो की लेयर है इस पर आपको टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, और इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो गाइस इतना होने के बाद आपको फिर से प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, और आपको बटरफ्लाई इफेक्ट दिया है तो आपको इफेक्ट सिंपली यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ ऐड करने के बाद सिंपली आपको इस पर टैप करना है, ब्लेडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है, लाइटन में जाके इस तरह इसको स्क्रीन कर देना है। तो गाइस इसको आप अच्छी तरह से इस तरह आपको एडजस्ट कर देना है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली जो बटरफ्लाई इफेक्ट है आपको जो टेक्स्ट वीडियो है इसके नीचे लाना है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली सबसे लास्ट में आना है, और यहाँ पे जो ज़्यादा पार्ट दिख रहा है तो इसको आपको इस तरह कट कर देना है। सेटिंग पे टैप करना है, तो इसका फ्रेम रेट आपको फिर से 60 FPS कर देना है इस तरह, और वीडियो एक्सपोर्ट पर टैप करना है, और वीडियो आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस मैंने ये जो वीडियो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली बैक जाना है, और यार गाइस आपको फिर से नोट वीडियो ऐप को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको प्रो मोड में लाना है, और न्यू पर टैप करना है, फिर आपको रेशो पर टैप करना है, कस्टम में जाना है, इसका जो रेशो है आपको यहाँ पे 1080 कर देना है, ओके कर देना है, और यहाँ पे 720 रहेगा तो आपको फिर से 1350 कर देना है, और ओके कर देना है। और गाइस इसका जो फ्रेम रेट है इस पर टैप करना है, और यहाँ पे आपको 3 हटा के 6 कर देना है, और ओके कर देना है। तो गाइस फिर से आपको प्लस पे टैप करना है, मीडिया में जाना है, वीडियो में जाने के बाद जो वीडियो अभी इंपोर्ट किया था वो वीडियो आपको इस तरह यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस यहाँ ऐड करने के बाद आपको फिर से प्लस पे टैप करना है, और असेट स्टोर पे जाना है, और यहाँ पे जो आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेन ड्रॉप इफेक्ट दिखेगा तो इसको आपको ऐड कर देना है, और इसका जो ब्लर टाइप है उसको आपको ग्लासी रहने देना है, और जो ब्लर है इसको आपको -0.01 कर देना है। तो इतना होने के बाद जो सेकंड लेयर है इसको टिक कर देना है, फिर आपको रूट ऑप्शन पे टैप करना है, और एक्सपोर्ट पे टैप करना है, और यहाँ पे जो क्वालिटी है हाई रहेंगे तो आपको वेरी हाई कर देनी है, तो सिंपली जो वीडियो है आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा।